तो सिर्फ स्पिन की मदद से मैं लेवल मेरे पास 14 था, मैं लेवल 15 में चला गया हूँ। कंटिन्यू प्ले वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, मैं लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। चलो मैं बैक चला जाता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख ले, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेरे पास जो लेवल है वो 15 हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मीम फाइव के अंदर आप अपना लेवल किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेवल 1 है या 2 है तो लेवल 10 में किस तरह जा सकते हैं। तो आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगा जिसकी मदद से आप 5 मिनट के अंदर जो अपना लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। और इसके अलावा आपने कॉइन किस तरह इंक्रीज़ करना है उसके बारे में भी बताऊँगा। और इसके अलावा आप कितने तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी न्यू अपडेट आती है वो सारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। तो डेली कॉम्बो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं और सीक्रेट कोड भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो आपको लाइव करके दिखाऊँगा कि आप अपना जो मीम फाइव के अंदर लेवल है वो किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो मीम फाइव को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मीम फाइव बोर्ड को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कितने तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका लेवल 1 है या लेवल 2 है तो आप लेवल 10 या इससे ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आर्ट वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ऊपर वाला जो वाइट वाला, आपने इसको ज़ीरो करना है। जैसे आप ज़ीरो करेंगे आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। तो आप ज़ीरो इस तरह टैप टैप की मदद से कर सकते हैं। जैसे आप टैप टैप करेंगे मेरे पास अब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं जैसे जैसे टैप टैप कर रहा हूँ तो जब मैं एक दफ़ा यहाँ पे टैप करता हूँ तो मुझे 13 टाइम जो है ना टोकन मिल रहे हैं। अगर आपको 4 टाइम या 5 टाइम मिल रहे हैं तो इसको आपने कैसे इंक्रीज़ करना, नीचे आपको बूस्टर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डैमेज वाला ऑप्शन, तो इसको आपने कुछ कॉइन की मदद से यहाँ पर आप कुछ कॉइन देंगे तो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे लेवल इंक्रीज़ होगा आप उसको उतनी दफ़ा डैमेज कर सकेंगे जो भी आपके पास करेक्टर होगा। तो और उसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हार्ट वाला, इसमें जो कॉइन है वो कम हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे बैलेंस में ये है जो इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एनर्जी वाला ऑप्शन, तो इसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बूस्टर वाला ऑप्शन, आपने इसमें चला जाना है। यहाँ पे जाने के बाद नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एनर्जी कैप, आप कुछ कॉइन दे के इसको एनर्जी अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये नज़र आ रहा है रिचार्जिंग स्पीड, अगर आप इसको स्पीड के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आपने मैक्सिमम पे कर देना है। तो जैसे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, जैसे मेरे पास ये इंक्रीज़ हो रहा है, आप मेरे पास 1200 हो चुके हैं यहाँ पे होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एनर्जी वाला ऑप्शन, तो इसको आप रीफिल किस तरह करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे बूस्टर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिचार्ज ऑप्शन वाला नज़र आ रहा होगा, फ्री बूस्टर के साथ ही रिचार्ज वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 24 घंटों में 3 जॉनसन है वो रिचार्जिंग बूस्टर दिए जाएंगे, आपने इनको क्लेम करना है। क्लेम वाला ऑप्शन, क्लेम बूस्टर वाला ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी जो एनर्जी है वो दोबारा यहाँ से रिफिल हो जाएगी। इस तरह आप यहाँ पे आके दोबारा इस टैप टैप की मदद से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह आपके जो कॉइन है ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा और इंक्रीज़ हो रहे होंगे, यहाँ से आपके जो हार्ट हो रहा है इसमें से कम होते जाएंगे। तो दूसरा तरीकाकार यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो बूस्टर वाला ऑप्शन में आपने जाना है, यहाँ पे आपको टर्बो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने 10 सेकंड तक ये वाला, जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे आपने 10 सेकंड तक उसको मतलब टैप टैप करना है, आपको ज़्यादा यहाँ से कॉइन मिलेंगे। जैसे मैं क्लेम बूस्ट पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने क्लेम बूस्ट पर क्लिक किया ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो गया आप चेक कर सकते हैं मेरे पास अभी जो कॉइन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ से नीचे आपको नज़र आ रहा है हार्ट में ये कॉइन है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कॉइन जो से ना कम हो रहे हैं और ऊपर आप मेरे जो बैलेंस में कॉइन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये तरीकाकार था। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला टैप बोट वाला, तो इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप 24 घंटे में आपको 3 जॉनसन टैप बोट मिलेंगे, तो आपने हर 4 घंटे के बाद आके इसको आपने यहाँ पे क्लेम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये कॉइन कलेक्ट करता जाएगा ये टैप बोट। तो यहाँ पे पोस्ट वाला ऑप्शन में दोबारा मैं चला जाता हूँ, तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक्टिवेट टैप बोट, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे एक्टिवेट बोट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 2 आउट ऑफ
3 मेरे पास हो चुका, मतलब एक कोड मैंने यहाँ से एक्टिव कर दिया। आपने क्या करना है, हर 3 घंटे के बाद आके यहाँ पे जस्ट क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके जैसे आप क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी कॉइन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा दूसरा जिक्रकार यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अर्न वाला ऑप्शन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास डेली यहाँ पे सोशल टास्क होंगे, कंपेन होगी, उसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, जैसे मैं यहाँ आपके सामने कंप्लीट करता हूँ तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको कॉइन मिलेंगे और यहाँ से आप कुछ स्पिन मिलेंगी, इसको आपने कलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यूट्यूब वाला ऑप्शन, तो आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे आपने बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ टाइम ओपन होगा तो आपने उस वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास इस तरह का जो बटन है वो ओपन हो जाएगा चेक द टास्क, तो इसमें जैसे आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे यस कंप्लीट इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ से जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा जो टास्क है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इस तरह जो सा ना अपने कॉइन इंक्रीज करने हैं और यहाँ से आपने जो स्पिन है वो कलेक्ट करनी है। तो आपने लेवल कैसे इंक्रीज करना है यहाँ पर नजर आ रहा होगा मेरे पास यहाँ पे लेवल है 14, तो आपने लेवल कैसे इंक्रीज करना है, अगर आप लेवल 1 में आए या लेवल 2 में आए तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, तो आपने उस ट्रिक पे अमल करना है। जैसे आप अमल करेंगे आपका जो लेवल 1 है या लेवल 2 है आप लेवल 10 में चले जाएंगे इस ट्रिक की मदद से, लेकिन उसके लिए आपके पास ये जरूरी है कि आपके पास स्पिन होने चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे एक न्यू टास्क आया है इसके मीमफाई के अंदर, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। आपने क्या करना है, कुछ ट्रांजेक्शन करनी है 0.5 टोन की, तो आपको यहाँ पे 50 मिलियन कॉइन है वो मिल जाएंगे, उसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको स्पिन भी मिल जाएंगी। तो मैं ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कनेक्ट वैलेट, आपने कनेक्ट वैलेट करना है, वहाँ से आपकी टोन की फीस आपने सेंड करनी है। जैसे सेंड करेंगे आपको यहाँ पे 100 स्पिन मिलेंगी और यहाँ पे आपको 50 मिलियन कॉइन मिल जाएंगे। तो ये इस टास्क को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन वाला ये वाला, चलें लेवल आपने कैसे इंक्रीज करना है। तो आप मेरे पास अभी लेवल यहाँ पे 14 लेवल है, तो अब मैं 15 लेवल में कैसे जाऊँगा, यहाँ पे आपको स्पिन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो क्लिक करने से पहले आपको एक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, USA का या UK का VPN लगा लेना है, USA या UK का आपने VPN लगाना है। जैसे आप VPN लगाएंगे ये अभी तक जो काम कर रहा है वह USA पे काम कर रहा है, UK पे मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन USA पे काम कर रहा है। US पे मैं अभी VPN कनेक्ट करता हूँ, VPN कनेक्ट करने के बाद आपको लाइव यहाँ पे लेवल इंक्रीज करके आपको चेक करवाता हूँ। तो मैं आपके सामने यहाँ से VPN को ओपन करके यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं दोबारा मीमफाई के बोट में चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास अभी लेवल है 14, तो लेवल 15 में आपके सामने जाऊँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा स्पिन वाला ऑप्शन, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो स्पिन आपने कैसे कलेक्ट करनी है उसके बारे में आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। आपने यहाँ पे अर्न वाला ऑप्शन पे जाना है, आपने जितने हो सका यहाँ पे जो सारे टास्क को कम्प्लीट करना है, तो आपने इस पर स्पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद तो आपने ऊपर यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसके अलावा आपने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्पिन वाला ऑप्शन, स्पिन X1 ये वाला, इसको मैं जूम भी कर दूंगा, तो स्पिन X1 इसको आपने इंक्रीज़ करना है। स्पिन X यहाँ पे आप इंक्रीज़ करेंगे स्पिन X2 हो जाएगा, स्पिन X3 हो जाएगा, 5, 10, 50 हो जाएगा, उसके बाद 150 हो जाएगा, आपने 1000 कर लेना है, स्पिन X 1000 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा स्पिन वाला ऑप्शन, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ऊपर आप यहाँ पे कॉइन चेक कर सकते हैं मेरे पास, ये वाले कॉइन नीचे नज़र आ रहा होगा, अब ये भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, मुझे इतने कॉइन मिले हैं यहाँ से। तो इसके अलावा दोबारा मैं यहाँ पर स्पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर स्पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कॉइन है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। फिर तो आपने स्पिन वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर लेना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आप चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कॉइन इंक्रीज़ हो चुके हैं ये वाला। तो इसके अलावा मैं दोबारा कर लेता हूँ तो आपका लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अभी आपको लेवल भी चेक करवा देता हूँ मैं थोड़ी देर तक, ये देख लें मेरे पास जो लेवल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेवल मेरे पास 14 था तो मैं लेवल 15 में चला गया हूँ यहाँ से, तो सिर्फ स्पिन की मदद से मैं लेवल मेरे पास 14 था मैं लेवल 15 में चला गया हूँ। कंटिन्यू प्ले वाले बटन पर क्लिक कर लेना है, मैं लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, चलो मैं बैक चला जाता हूँ आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेरे पास जो लेवल है वो 15 हो चुका है, तो मेरे पास जो कॉइन है वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। चलिए मैं दोबारा आपको एक दफ़ा फिर स्पिन मतलब प्ले करके चेक करवाता हूँ और इस पर जो लेवल है वो 16 लेवल में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा मैं स्पिन वाले ऑप्शन पे चला गया, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो दोबारा आपको एक दफ़ा बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने वीपीएन कनेक्ट कर लेना है यूएसए या यूके का, लेकिन यूएसए पे ही काम कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएस पे कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। अगर आपके पास यूके का उस पर ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन यूएसए पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको स्पिन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्या कर लेना है, जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे आपने कहना है स्पिन एक्स 1000 कर लेना है, स्पिन एक्स 1000 करना है। करने के बाद तो ऊपर आप यहाँ पे पहले चेक कर लें मेरे पास कॉइन इतने हैं, और मेरे पास लेवल अभी है, आपको मैं लेवल दोबारा बता देता हूँ, 15 लेवल है, तो मैं 16 लेवल में जाऊँगा आपके सामने यहाँ पे। तो स्पिन वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्पिन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से कॉइन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन, तो मुझे यहाँ पे कुछ कॉइन मिल चुके हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैं स्पिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्पिन वाला, और आपने ये जेन में रख लेना है स्पिन एक्स 1000 कर लेना है, स्पिन एक्स 1000। तो स्पिन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो जैसे आप स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये वाला मेरा जो कॉइन है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं ये वाले। तो फिर दोबारा मैं स्पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास जो कॉइन है वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। अभी लेवल में आपको चेक करवाता हूँ, तो स्पिन वाले ऑप्शन पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ, और ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास जो उनसेन है वो इतने कॉइन हो चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, स्पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। तो जैसे आप स्पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो मेरा लेवल है वो इंक्रीज़ हो चुका है। कंटिन्यू प्लेइंग नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास ये 0-0 हो चुके हैं ये वाला। तो 0-0 होने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू प्लेइंग नज़र आ रहा होगा, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो लेवल 15 था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और मैं एक लेवल 16 में इंटर हो चुका हूँ। तो लेवल 15 वाला को हमने चेक करवा दिया, और लेवल 16 वाला अभी आया नहीं हुआ, जिसकी वजह से न्यू बॉस इज कमिंग, तो मतलब मेरे पास शो हो रहा है। तो जैसे ही आएगा मेरे पास जो लेवल है वो 16 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो तरीक़ाकार मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपने इस तरह अपना जो लेवल है और इस तरह अपने जो कॉइन है वो इंक्रीज़ कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।